मैं सभी युवाओं को सो है जय हिंद जय भारत, जो CISF ड्राइवर के अंदर में और DSSB के अंदर में रैंप ड्राइविंग टेस्ट होता है। सबसे पहले तो सभी युवाओं को मैं बता देता हूँ कि जो रैंप ड्राइविंग टेस्ट करवाने का मकसद क्या है। रैंप ड्राइविंग टेस्ट यदि कोई डिपार्टमेंट ले रहा है तो उसका मकसद एक ही होता है कि फोर्स की जो गाड़ियाँ होती हैं वो हाईएल्टी एरिया में जो है गाड़ियाँ चलती हैं, फोर्स के कैंप जो हाईएल्टी में डिप्लॉयमेंट होते हैं, तो इसलिए आपको राशन की गाड़ियाँ, वेपन्स की गाड़ियाँ, गोला बारूद की गाड़ी या जवानों की ड्यूटी पैलेस के लिए आपको नीचे से ऊपर तक जाना पड़ता है। तो उस दौरान जो है भूखलन होने से, रास्ता ब्लॉक होने से, कुछ समय से आगे व्हीकल आने से आपको ILT में गाड़ी खड़ी करना पड़ता है। तो जब आप गाड़ी को दोबारा से आगे के लिए भरते हो तो उस समय आपका इतना कंट्रोल है या नहीं कि आप ड्राइविंग करना जानते हैं या नहीं जानते कि गाड़ी पीछे न जाए और वहीं से हम गाड़ी को आगे की तरफ मार्च कर दें, उसके लिए आपका क्लच का, ब्रेक का और एक्सीलेटर का तीनों का तालमेल होना बहुत ही बेहतर ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप हाईएल्टी में गाड़ी खड़ी कर रखी है और आपकी गाड़ी पीछे चली गई तो बहुत सारी गाड़ियाँ पीछे खड़ी होती हैं और वहाँ पर ILT में खादान वगैरह में गिर जाए। इसलिए फोर्स में जो है रैंप ड्राइविंग टेस्ट कराते हैं। रैंप ड्राइविंग टेस्ट में अभी यहाँ पर जो रैंप ड्राइविंग टेस्ट आप इधर दिखाओ जो देख रहे हो वो सबसे टॉप ILT का रैंप ड्राइविंग टेस्ट हमने बना रखा। ग्राउंड ऑफ व्यू यानी ज़मीन से कम भी 3.5 या 4 फुट की हाइट पर है। और जो ड्राइविंग जो रैंप होता है, अन्यथा आप किसी CISF या अन्य किसी डिपार्टमेंट में चाहे DRDO, उनमें क्या है कि कोई यदि जो फोर्स का कैंपस होता है उस कैंपस में कोई ILT की जगह होती है, वहाँ चुना वगैरह डाल के सिर्फ उसको चेक करने के लिए बनाते हैं। उसको सिखाने के लिए हमने यहाँ पर जो बना रखा है, अभी जो कैंडिडेट यहाँ पर आएगा रैंप ड्राइविंग टेस्ट में, आपको कोई भी ड्राइविंग टेस्ट देने से पहले आपको घबराना नहीं है। कोई भी जो सपोर्टेड स्टाफ है वो आपको फेल करने के लिए टेस्ट नहीं ले रहा, न कि आपकी क्षमता चेक करने के लिए टेस्ट ले रहा। अभी जो कैंडिडेट है किस हिसाब से जो रैंप ड्राइविंग टेस्ट करता है, कैसे आपका तीनों चीज़ का, क्लच का, ब्रेक का और एक्सीलेटर का जजमेंट बनाते हुए टॉप ILT पे गाड़ी आगे की तरफ लेके जाता है, वो सब चीज़ें आपको दिखाएंगे। चेस्ट नंबर 1, लाइन बंद, जोर से ताली बजाओ एक बार, आप पीछे हो जाओ। हाँ, अभी जैसे यहाँ से चालू करेंगे, चालू करने से पहले आपको सबसे पहले अपने दिमाग को ये जो है मैसेज दे देना है, पूरी तरह से तैयार हो जाना है कि मैं रैंप ड्राइविंग टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे डिफिकल्ट टेस्ट होता है। वहाँ से जो स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में यहाँ से आपको जो रैंप कराता है उसकी तरफ आपको गाइड की तरफ ध्यान देना है। गाइड आपको इशारा देगा गाड़ी को रोकने के लिए, तब आपको गाड़ी को आपको इशारा बोलता है रोकने के लिए, आपको गाड़ी को रोकना है। जैसे आगे बोलता है उसमें आपको गाड़ी को आगे बढ़ाना है। अभी वहां पर एक ही बार लेते हैं हम, यहाँ आपको 3 बार दिखाएंगे सबसे टॉप आए थी। अभी देखा आपने गाड़ी बिल्कुल वहां रुक गई है, थोड़ा नजदीक लेके आओ। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको जो है पहले हम दिखा देते हैं, यहाँ पर आपको गलत और ब्रेक दोनों चीज़ आपको एक साथ जो है दबा के रखना है। साथ ही साथ आपको जो है AD यहाँ पे लगा के रखना है। बहुत सारे युवा साथी क्या करते हैं कि सर जो है हैंड ब्रेक लगा लें क्या? हैंड ब्रेक आप लगाओगे तो बिल्कुल आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर देगा, क्योंकि ये जो आपका टेस्ट होता है वो क्लच का, ब्रेक का और एक्सीलेटर तीनों का जजमेंट का टेस्ट होता है। इसमें आप नीचे न देखें, निगाह सामने रखें, स्टेयरिंग की ग्रिपिंग बेहतर बना के रखें, AD को नीचे टिका के रखें और आपको जैसे जैसे क्लच को और ब्रेक को दोनों को एक साथ छोड़ना है। जैसे जैसे आप क्लच को छोड़ते हो गाड़ी वाइब्रेट करती है, उसी समय आपको ठक से जो है क्लच से पैर हटा के आपको कहाँ लेके जाना है? एक्सीलेटर पे। अभी यही चीज़ आपको अभी कंटिन्यू दिखा दें। अभी यहाँ से जैसे आपको इशारा मिल जाता है आगे के लिए, तो अभी आपको आगे यहाँ से कैसे करना है, जैसे आपको यहाँ से आपको जो है सनस्क्रीन नेकर पे दो गाइड होता है, गाइड से अपना आई कॉन्टेक्ट रखना है। अब दोबारा एक बार, अब अभी वहां पर एक बार लेते हैं, आपको दो बार दिखाते हैं। अब